लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत चलाक है तू, मेरे आदमी को मारा, उसके जेब में पर्ची डाली ताकि वो मैसेज तेरे आदमियों तक पहुंचे और वो इमाम को मार डाले। मुसलमान गुस्से में आके हिंदू पर अटैक करेगा और फिर दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा तूने सोचा वैसा नहीं हुआ, अब वो होगा जो मैं सोचूंगा। तूने कहा था ना कि कोई सुराग या सबूत नहीं मिलेगा, मुझे सबूत मिल गया है। पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर, इसको जरा साफ करना। वन मिनट। ये तो वही है जिसको उस दिन मैंने एयरपोर्ट पर शूट किया था, लेकिन उसके साथ कौन है? जरा जूम कर उस पर। श्योर। फ्रांसिस भाई, वो डीसीपी आजाद आ रहा है, जल्दी भाग जाइए। बता तुझे एयरपोर्ट किसने भेजा? शंकर सिंह कानिया। बढ़िया जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, ये मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना, और देखिए इसकी खूबसूरती आज तक इतनी भी कम नहीं हुई। मैं मंदिर की नहीं, मंदिर के आसपास की 500 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ। मंदिर की बात तो पुजारी करते हैं, मैं तो व्यापारी हूँ। ये जमीन हमें पसंद आ गई है, हमें चाहिए। लेकिन ये जमीन मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम हो या शंकर सिंघानिया के नाम हो, दोनों एक ही बात है। और वैसे भी जमीन की जरूरत भगवान को नहीं, इंसान को होती है। मूर्ति हटाओ या मंदिर, ये जमीन हमें चाहिए तो चाहिए। अपनी दलाली के साथ इसकी कीमत हमें बता देना। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है शंकर सिंघानिया कौन है? For your knowledge, I'm telling you, India के 10 top richest लोगों में से एक हैं। वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का एक महीने का बजट होता है। उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? अरे शंकर साहब चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है? स्कूल्स, कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं। आप समझ लीजिए एक तरह से उनकी पूजा करते हैं।
सर लोगों की बात छोड़िए, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं और वो बिना सोचे हमारी मदद करते हैं। ऐसे आदमी पर आतंकवादियों से मिले होने का इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए। एक्सक्यूज मी सर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहाँ कटी? क्या वक्त था? तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अनाप शनाप सवाल पूछकर उस बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ पांच ठंडा लेकर आओ और कुछ सिगरेट भी लाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उस इलाके का जेब कतरा कौन है। पांडू? अरे नहीं नहीं, पांडू तो गांव गया हुआ है, राजू ने काटी होगी। तो राजू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ, तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है, हवा है टायर में, पेट्रोल है। ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती, अपनी जेब के लिए की जाती है, 20-50 जो भी मिल जाए। और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है, तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार से, मिनिस्टर या एमएलए से? नहीं, वो पैसे जनता के हैं, उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है और समाज की हिफाजत के लिए हमें। जवान तो अपना काम करते हैं लेकिन हम, कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था, लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसखोर कम हुआ। हमें यह सिचुएशन बदलनी है, अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें। और ये सब पुलिस स्टेशन में मंदिर बना डालने से या दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइन लिख डालने से नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेटमार हो या असरदार और अमीर शंकर सिंघानिया हो, तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी। ओके, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे टफोस? पापा का नाम लेने से पहले फ्रांसिस को गोली क्यों नहीं मार दी? सुबह होने से पहले मैं मारूंगा उसे, मेरे हाथों से मरेगा वो। संजय, नहीं नहीं पापा, उस नमक हराम ने आपका नाम लिया कैसे? अरे बेटे, छोटे लोग बड़े लोगों के नाम अक्सर लिया करते हैं। डोंट गेट अपसेट, सब कुछ समझ जाएगा। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को साथ लेकर फार्म हाउस चले जाओ। बट पापा। कम ऑन, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। माधव। यस सर। मेरे बेटे का ख्याल रखना, नई उम्र का खून है, बहुत जल्द उबल जाता है, संभालना उसे। ओके सर। सर प्लीज मेरी बात मानिए,
कुछ दिनों के लिए आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, तब तक आजाद का जोश भी ठंडा हो जाएगा। गलत। जिसकी नसों में ईमानदारी का खून दौड़ रहा हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, उसका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। अब मैं दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाऊं, आजाद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कानून, ये हथकड़ी, अदालत, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की। आजाद की नजर में मेरा बेटा संजय नहीं आना चाहिए, इसलिए उससे बचने का नहीं बल्कि सामना करने का वक्त आ गया है। तुम एक काम करो, आसपास की बस्तियों में ऐलान कर दो कि कल सुबह हम अनाज और कपड़े बांटने वाले हैं, और जैसे ही ये भीड़ जमा होकर हमारे घर के सामने आ जाए, अपने 40-50 लोग हथियार के साथ उनमें शामिल कर दो, और आजाद जैसे ही मुझे गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश करे, उसे वहीं खत्म कर दो। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, ऐसा लगना चाहिए जैसे गुस्से में आकर भीड़ ने उसे खत्म किया है। उसके बाद कानून बेबस, क्योंकि भीड़ की ना कोई सूरत होती है ना कोई नाम। ठीक से समझ गए ना तुम लोग? भीड़ में शरीफ बनकर खड़े रहना। अगर डीसीपी आजाद सिंगानिया साहब को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो उस पर अटैक कर देना, समझ गए? साहब, डीसीपी साहब आए हैं। ठीक है, आने दो उसे। आओ आओ आजाद, नमस्कार। हमें मालूम था तुम आओगे, मगर इतनी जल्दी आओगे ये मालूम नहीं। मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आजाद, थोड़ा कॉपरेट करो, मेरा साथ दो, ऐश करो। तू कॉपरेट कर और मेरे साथ चल, तुझे सरकारी दामाद बनाकर अच्छी तरह से खातिर करूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, तुम्हारे सीनियर्स मेरे सामने सर झुकाते हैं। और शायद तुझे ये पता नहीं कि राजशेखर आजाद सिर्फ तिरंगे के सामने सर झुकाता है। देखो आजाद, इस तरह की बातें नए नए रंगरूटों को शोभा देती हैं जिन्होंने अभी अभी वर्दी पहनी। तुम तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, बहुत सालों से काम कर रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दोस्ती कर लो मुझसे। शिकारी अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करते। शंकर सिंघानिया का शिकार करोगे, अपनी मौत को बुलाओगे तुम। ए, चिल्ला मत, नहीं तो अभी का अभी सारा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर। यस सर। शिकार करने का बहुत शौक है ना तुम्हें जी से भी? रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। कोई मुझे उंगली भी दिखाए तो मेरे चाहने वाले लोग उसे नहीं छोड़ते। तुमने तो मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाई है, सोचो ये लोग तुम्हारा क्या हशर करेंगे। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है, चुपचाप ये हथकड़ी खोल दो, लोगों के सामने मुझसे माफी मांग लो, मैं इन्हें समझा बुझाकर शांत कर दूंगा और फिर तुम घर जाने के काबिल रह जाओगे। चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए,
हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे, ये हमारे अन्नदाता है। तुम्हारी लाश के ऊपर से गुजरने के बाद इन्हें ले जा सकते हो। देवता समान आदमी के हाथ में हथकड़ी लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन्हें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम लाशें बिछा देंगे, समझे? देखो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कानून को अपना काम करने दो, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। हाथ में बंदूक है तो तुरंत खा समझ रहे हो? हिम्मत है तो चला गोली। हाँ हाँ चला गोली, सिंघानिया साहब के लिए हम हंसते हंसते जान दे देंगे, चला गोली। अरे ऐसे गोली चला दी इन पे, मेरे पांच आदमी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसका जवाब देना होगा तुम्हें। जवाब मैं नहीं, ये लोग खुद देंगे। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने भी तेरा ही टेक्निक इस्तेमाल किया, तूने इन शरीफ लोगों की भीड़ में अपने 50 गुंडे खड़े कर दिए शरीफ बनाकर। मैंने 5 पुलिस के आदमियों को इसी भीड़ में खड़ा कर दिया गुंडा बनाकर। इससे कहते हैं जैसा काल वैसा ही तमाचा, समझे? चल।